और इधर गिरौदपुरी धाम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा है कि भाजपा सरकार ने गिरौदपुरी के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। उन्होंने जैत खाम काटने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, साथ ही उन्होंने मामले की जांच के लिए जांच समिति के गठन का ऐलान भी किया है। गुफा है जहाँ पर जैतखाम हुआ करता था, आरी से उसको ना काटा गया है। आप सबके माध्यम से मैं इस भाजपा सरकार से मांग करता हूँ कि अति शीघ्र उन दोषियों को पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ यहाँ से मैं भी सीधा गिरौदपुरी ही जाने वाला हूँ, वहाँ पर 11 लोगों की एक समिति, जाँच समिति का ना मेरे द्वारा ना गठन किया जाएगा, जिनके द्वारा जाँच के रिपोर्ट आने के बाद क्या क्या कदम उठाएगा उसके निर्णय हम लोग लेंगे। और अब खबर रायबरेली से है, जहां राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रियंका के चमचे भूपेश बघेल को रायबरेली भेजा, साथ ही आरोप लगाया कि रायबरेली में छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार का पैसा खर्च हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि राहुल और प्रियंका गांधी के बीच अंतर कला है, साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमेठी की तर्ज पर रायबरेली की जनता भी राहुल को भगाएगी कहा। पार्टी के लिए छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, सब एक बराबर होता है, लेकिन वहीं आप देखें तो कांग्रेस ने किसको भेजा है? कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के चमचे भूपेश बघेल को यहां भेजा हुआ है, और वो कहां का पैसा लेकर आया है? रायबरेली की पावन धरा में सबसे ज्यादा पैसा कहां का आया है? कोयला खनन का छत्तीसगढ़ का पैसा, सबसे ज्यादा शराब घोटाले का पैसा, महादेव ऐप का पैसा। यहां की पावन धरा को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल, और यहां की जनता इसीलिए उनको निर्णायक जवाब देगी क्योंकि इतने दूषित पैसे की जगह उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है, राम जी की धरती पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। और राम जी का अपमान करने वाले लोग यहाँ पे आके वोट मांग रहे हैं, जहाँ की जनता जवाब देगी। रायपुर के तात्यापारा सड़क के चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इसको लेकर निगम जागा है। रायपुर महापौर ने MIC सदस्यों और व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद एजाज ढेबर ने कहा कि हमारी सरकार ने चौड़ीकरण के लिए जब बजट सेशन हुआ था, इसके लिए PWD विभाग ने एजेंसी बनाया और नपा जोख का भी काम शुरू किया, लेकिन सरकार बदलने के बाद से आज तक किसी ने चौड़ीकरण के नाम नहीं लिए। हम चीफ सेक्रेटरी और मंत्री से चर्चा करेंगे, जरूरी हुआ तो CM से भी चर्चा करेंगे। नहीं है, ये एक्चुअल में हम लोग जो चौड़ीकरण है शारदा चौक से लेकर तात्यापारा तक 2014 से लेकर अभी तक के पेंडिंग है। सबसे बड़ी बात है ये बॉटल नेट रोड है, दूसरी चीज लाइफलाइन इसको कही जाती है हमारे रायपुर शहर की। आज भी यहाँ पर ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। चार महापौर चेंज हो गए, चारों महापौर ने अपने अपने उसमें बजट में लिखा है कि इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। पिछली हमारी परिषद ने, हमारे सभी पार्षद लोग ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बोल के यहाँ के लिए हमने 120 करोड़ रुपये सेंशन करवाया। उसके बाद जब पैसा सेंशन हुआ, सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद ना कोई बजट में जिक्र है, ना कोई इसके लिए पैसा किया गया है, ना ही व्यापारियों से कोई क्रॉसफंडेस किया गया है, कोई पत्राचार कुछ नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में वास्तु दोष पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया में एक कार्टून पोस्ट कर तंज कसा है, साथ ही नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर भी निशाना साधा। बीजेपी ने कार्टून के जरिए भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला है, वो कार्टून भी आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए जो है निशाना साधा गया है भूपेश बघेल पर। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्टर शेयर किया। तो इधर बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी मति भ्रम का शिकार हो चुकी है, साथ ही उन्होंने बीजेपी के पोस्टर को स्तरहीन बताया है। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इसको लेकर बयान सामने आ रही है और बयानों के जरिए जो है अब सियासत गर्मा गई है। पोस्टर स्तरहीन है,
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मति भ्रम की शिकार हो गई है। चार चरण में देश में चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। हो सकता है कि 11 सीटों में उसका खाता भी न खुले। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है और इस बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नक्सलियों नक्सली बता के आप ग्रामीणों को मार रहे हैं और ग्रामीण उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष होने के नाते उस बात की जांच करना हमारा दायित्व है। अरुण साहब ने दावा किया है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से शिकस्त होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी कांग्रेस नेता ऐसा कहते हैं तो ये मस्तिष्क दोष की दिशा में संकेत करता है। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है छत्तीसगढ़ की शासन से, कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के मामले को लेकर हो, अन्य विषय पर हो, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा है। इस बात को वो स्वीकार करें और लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके बाद भी यदि सबक नहीं लेते कांग्रेस के नेता तो उनको मुबारक। देखिए, जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं और जैसी राजनीति कांग्रेस की हो रही है, ये इसी दिशा में संकेत करता है। सुकमा जिले में डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक हार्डकोर नक्सली मारा गया। मौके से जवानों ने नक्सली के शव के साथ हथियार समेत भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद किए हैं। मुठभेड़ टेटराई तोलनाई के जंगल में हुई है। मारे गए नक्सली की पहचान दूधी हुंगा के रूप में हुई है, जो लंबे समय से नक्सल संगठन से जुड़ा था और इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। पुलिस के मुताबिक दूधी के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में 16 मामले दर्ज हैं। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सरेंडर किए नक्सली दिवाकर और उसकी पत्नी लक्ष्मी से बात की। खास बात तो यह है कि दिवाकर 14 लाख का इनामी नक्सली था। हाल ही में उसने छत्तीसगढ़ ओपन से 10वीं की परीक्षा दी और वो पास भी हो गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनसे बात की। दिवाकर ने बताया कि वो आगे चलकर पुलिस विभाग या फिर शिक्षा विभाग में काम करना चाहता है। बहन को भी नमस्ते। अरे वाह भाई वाह, क्या हुआ रिजल्ट यार? रात में भी खाना खा के कम से कम 10 बजे पढ़ते थे और दिन में भी सुबह नाश्ता करके कम से कम 10-11 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर 2 बजे से फिर पढ़ते थे 4 बजे तक। मेरी बहन ने भी परीक्षा दिलाई क्या? जी सर। अच्छा, क्या क्या रहा बहन? छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जहां कई जिलों में डायरिया मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कवर्धा में 15 घंटे में 15 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे कि मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 65 हो गई है। मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती उन्हें किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर जांच कर रहा है। दुर्ग में भी डायरिया डराने लगा है और यहां भी डायरिया मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और केसेस 51 हो गए हैं, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट शुरू हो चुका है, वहीं पानी के लिए जंग शुरू हो गई है। भिलाई के खमहरिया इलाके के ग्रीन वैली में सैकड़ों कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि आखिर पानी क्यों नहीं है। साथ ही सड़क पर मटका फोड़कर और खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। कॉलोनी प्रबंधन और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। ये भी बता दें कि यहाँ 2 से 3 हजार घर हैं, इसके बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई। मेंटेनेंस के नाम पर पैसे तो लिए जाते हैं लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं की जा रही।
बिलासपुर के सिम्स